Get up though. Nice. इसमें कब ज्यादा इसमें कब कम, इसका मतलब ये कि ये उल्टी तरफ वेट डाल रहा है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज बताओ, अपनी प्रॉब्लम क्यों आए हो, कैसे आए हो और क्या दिक्कत है? मेरे सर ये नेक में अभी कुछ टाइम पहले ये मुड़ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा पेन था यहाँ इस साइड में और बैक में भी पेन था। फिर मैंने गूगल में सर्च करा तो आपका मुझे रिव्यू थोड़ा अच्छा लगा, तो उसकी वजह से मैं आया आपके पास। अभी तो रिलीफ है, दो दिन मुझे हो गए हैं, लेकिन रिलीफ भी मिला है थोड़ा बहुत। थोड़ा मिला है जी। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? एक्सरसाइज करता हूँ सर। क्या क्या करते हो? तो हाई एंड प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा। लेकिन अभी हल्का पेन होता करके अभी रुका है सर। लेकिन अच्छा। हाथों की करता हूँ एक्सरसाइज पूरी। अच्छा, और एडजस्टमेंट के बारे में कहाँ से सुना था, कायरोप्रैक्टिक के बारे में? तो ऐसे ही नेट में ही देखा सर कि फिर थोड़ा सर्च करा तो देखा कि इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इसके फिर आपके पास आए। अच्छा, आओ मैं आपका एडजस्टमेंट आज दूसरी बार करता हूँ। जेब से जो भी चीज है, फोन वोन निकाल दो, चश्मा निकाल दो। रिलैक्स करो, छोड़ो, रिलैक्स, ब्रीथ आउट करो, ब्रीथ आउट करो। नाइस नाइस, एक सेकंड लो। कमर में भी दिक्कत है, ये वाला हिस्सा इसका उठा हुआ है जी, है ना? जी। मैं बोला था ये देखो, साफ साफ नजर आ रहा है, तेरी स्पाइन भी इंबैलेंस है सारा, और इसकी दिक्कत फिर वही कहानी पैरों वाली है। सेम वही चीज है, इसमें कर्व ज्यादा इसमें कर्व कम, इसका मतलब ये कि ये उल्टी तरफ वेट डाल रहा है। सारी चीजें ये ऐसे परेशानी बना रहेगा। करवट ले लो बेटा, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। हाँ, फ्रीनेस है तो। फ्रीनेस है। और इंसोल इसको बना के दिए, दिखा दो, है ना? ये इंसोल से ही तुम्हारा सारा जो दिक्कत है वो है, और आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चार पांच महीने में वापस आना है, ताकि इसमें पाँव में जो भी चेंजेस होंगे उसको दोबारा इंसोल को ठीक कर सके, फिर एक दोबारा वीडियो बनाएंगे। और कुछ बोलना है दोस्तों को, बाकी लोग जो परेशान है उत्तराखंड से? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आइए एक्टिव प्लस में, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा उसका। मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिला है अभी, और थेरेपी बाकी है तो आगे और दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, को लाइक करें, और किसी को कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।